और विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई वंचितों के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार कर इस यात्रा को सफल स्वरूप देने के लिए प्रदेश सरकार के विधायक मंत्री भी लोगों के बीच में जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा पर आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। देश की विकास यात्रा में सबसे बड़ा अवरोध वंचितों के लिए तैयार योजना वंचितों तक ना पहुंचना। सरकारें इस तथ्य को जानती भी थी। पहले जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे कहते थे कि हम दिल्ली से एक रुपया भेजते हैं तो नीचे 15 पैसा जाता है, लेकिन कोरोना महामारी के काल से लेकर अब तक प्रधानमंत्री जी ने अद्भुत कर दिया कि बटन दबाया अगर 6,000 दिल्ली से बहन के खाते में चला है तो पूरा 6,000 आपके खाते में आएगा। और वास्तविक लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने के लिए बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत किया, साथ ही गरीब को इस व्यवस्था से जोड़ा। बैंक के खातों में सरकार की योजनाओं और लाभार्थियों के बीच की दूरी खत्म हो गई। जब 10 रुपया या 1,000 ही रुपया हम लोग को जब चाहिए था तो हम लोग को भटकना पड़ता था, जब से हम लोग आजीविका से जुड़े हैं तब से हम लोगों को बहुत फायदा है। हम लोग को जब भी कुछ आता है तो हम लोग अपने समूह से लेकर अपना कोई भी कार्य कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने मुझे आयुष्मान योजना, पीएम स्वनिधि योजना, उज्ज्वला योजना से तीनों लाभ प्राप्त हुए हैं। मुझे आयुष्मान कार्ड से लाभ मिला है। पहले मुझे बहुत डर लगता था कि मेरा क्या होगा, कैसे होगा, अगर कोई बीमारी आती है, तो अब मुझे डर नहीं है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम लोग राशन वगैरह सब कुछ लाभ मिल रहा है, और राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, गैस कनेक्शन, हर एक चीज हम लोगों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी लाभार्थियों के दरवाजे तक पहुंची ड्रोन तकनीकी और सरकारी योजनाओं ने लोगों को काफी प्रभावित किया। ऐसे कैंपों से आम लोगों का लाभ होता है, जिनको लाभ मतलब योजना का लाभ नहीं मिला है, नहीं ले पा रहे हैं, आसानी से उनको मिल पाता है, योजनाओं के विषय में आसानी से जानकारी हो पाती है। ऐसी योजनाएं होनी चाहिए। स्वास्थ्य की बनने से मुझे गांव के लोग वासियों जान भी रहे हैं और मेरी एक मान एक सम्मान बनी हुई है गांव में, और लोग हमको इस नाम से जानते हैं। कोई कहीं से आता है पूछता है तो हमको लोग बता देते हैं कि हाँ वही उषा है। विकास संकल्प यात्रा सरकारी खाना पूर्ति ना रह जाए, उसके लिए न केवल पार्टी कार्यकर्ताओं, विधायकों, मंत्रियों बल्कि उप मुख्यमंत्री तक को यात्रा कार्यक्रमों के साथ जोड़ा। प्रधानमंत्री आवास है, जो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो, अपना पक्का मकान है, उनका शौचालय है, आयुष्मान का कार्ड है, नल का कनेक्शन है, प्रधानमंत्री बीमा योजना है, अन्य जितनी योजनाएं, पोषण, कुपोषण जो महिला सी उसका पोषण है, सभी योजनाओं का लाभ जनता कैसे अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, इसके लिए जन आंदोलन के रूप में यात्रा निकला है। सरकार का इस बात पर जोर है कि योजनाओं की जानकारी सबको हो, साथ ही लाभार्थी को उसका लाभ मिले, बिचौलियों की भूमिका भी खत्म हो। प्रधानमंत्री योजना का लाभ मिला है और सरकार के धन्यवाद देता हूं कि मुझे मेरे छत नहीं था, मुझे छत हुआ है। पैसा मिला सब्जी का रोजगार करने के लिए पीएम सोनी जी के तरफ से, सोनी जी का धन्यवाद, आगे इस तरह हमको भी मिलता रहे लाभ। इस अभियान के जरिए योजनाओं से छूटे लाभार्थियों को जोड़ने का भी काम किया जा रहा है। शपथ लेने के बाद केवल एक ही बात कही थी कि हमारी सरकार गरीबों को, असेवितों को के प्रति समर्पित रहेगी।